हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनबिता। आज बनाने जा रही हूं काजू जलेबी। ये काजू कतली जैसा सेम होता है, मगर शेप में डिफरेंट होता है। काजू एक बार ले रही हूं, 2 से 250 ग्राम काजू ले रही हूं। काजू आप रेफ्रिजरेटर में रखी हुई लीजिएगा, क्योंकि पिस्ते बट गर्म हो जाता है काजू। काजू को मिक्सर जार में डाले और पॉट्स माउंट में पीसे। इसे रुक रुक के पीसना है, नहीं तो आपका काजू पेस्ट बन जाएगा। इसे एक छन्नी में छान लें। बचे हुए काजू पाउडर को फिर से मिक्सर जार में डाल दीजिए। 2 इलायची दे देंगे फ्लेवर के लिए। फिर से पीस लेंगे और छन्नी में छान लें। मेजर कर लेंगे। 2 कप काजू पाउडर लेंगे। काजू पाउडर जिस कप से लेंगे उसी कप से मेजरमेंट कर लेंगे चीनी को। चीनी यहाँ पे 3/4 कप ले रही हूँ। आप मीठा ज्यादा चाहते हैं तो 1 कप चीनी ले सकते हैं। पानी 1/2 कप ले जाएंगे। मिल्क पाउडर 3 चम्मच लेंगे, ये ऑप्शनल है, मगर डालने से अच्छा टेस्ट आएगा। एक नास्टिक कढ़ाई ले जाएंगे, उसी में चीनी और पानी को डालकर मिक्स कर ले। चीनी अच्छे से पानी के साथ घुलना चाहिए। देखिए अभी शुगर सिरप में बॉयल आ गया है। यहाँ पे शुगर सिरप थोड़ा चिपचिपा होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। काजू पाउडर डाल दे। गैस फ्लेम को लो पे रखेंगे। काजू पाउडर को धीरे धीरे करके मिलाते रहेंगे शुगर सिरप के साथ। अभी यहाँ पे मिल्क पाउडर को भी मिक्स करके मिला दे। शुगर सिरप में काजू पाउडर डालने के बाद आपको 10 से 12 मिनट कुक करना होगा। काजू पेस्ट में बबल्स आना शुरू हो गया है। अभी 1 चम्मच घी डाल देंगे, ये अपना ले, मगर घी डालने से शाइनिंग होगा मिठाई में। देखिए अभी मिक्सर पैन को छोड़ने लगा है, आप चेक कर ले, थोड़ा मिक्सर निकल दे। गीले हाथों से बनाइए, सॉफ्ट बॉल बन रहा है तो आपका मिक्सर कुक हो गया है। और 1 मिनट के लिए कुक कर ले, गैस फ्लेम को बंद कर ले। अभी इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दे। पंखे के नीचे 5 मिनट के लिए ठंडा होने दीजिए। देखिए अभी डो के फॉर्म में आ रहे हैं, पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ है। एक नास्टिक पैन या आप प्लेट के ऊपर घी ग्रीस करके मिक्सर को डाल दीजिए। हाथों में घी लगाकर मिक्सर को मैश कर लेंगे। इसे पूरा तरह ठंडा ना होने से पहले हम शेप दे देंगे। एक छोटा गोला लेकर रोल बना दे, इसे जलेबी शेप में बना दे। इसे ज्यादा पतला नहीं करेंगे, नहीं तो टूट जाएगा। देखिए जलेबी शेप में बना दिया है। अभी ज्यादा टाइम गर्म रहने के लिए फॉइल के कंटेनर में रखी हूँ। सभी को इस तरह जलेबी शेप में बना दें।
इसे आप खा सकते हैं, मगर ऊपर चांदी का बर्तन, पिस्ता और केसर से गार्निश कर सकते हैं। एक घंटे के बाद काजू जलेबी सेट हो जाएगा। आप इसे 8 से 10 दिन के लिए स्टोर करके रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। मेरी रेसिपी पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले।